तो हेलो भाई लोग, आ चुके हैं फिर से एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है भाई लोग, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे काफ़ी सारे टॉपिक के बारे में, जिनमें से कुछ मेन टॉपिक है जैसे कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का साइज़ क्या होगा, क्योंकि साइज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर रखती है पबजी लाइट यूज़र्स के लिए। और दोस्तों वहीं बात करेंगे कि iOS का प्री रजिस्ट्रेशन कब तक आएगा, क्योंकि इसके बारे में भी कुछ अभी लीक्स निकल के आई हैं, और गेम का लॉन्च डेट क्या है उसके बारे में कुछ और भी कन्फर्मेशन आई है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि जो लॉन्च डेट मैंने आपको बताई थी वो लगभग कंफर्म है। तो भाई लोग चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और बेल के आइकन को तो ऑल पे करना बिल्कुल मत भूलना, और इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, तो एक लाइक तो बनता ही है भाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहला जो टॉपिक है वो साइज़ होगा गेम का, क्योंकि BGMI की जो साइज़ होगी वो काफ़ी ज़्यादा मैटर रखती है, क्योंकि पबजी लाइट के यूज़र जो हैं वो भी अब यही यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी जो है वो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का लाइट वर्जन, अभी इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ना ही क्रैम्पटन की तरफ से, ना ही कोई बड़े स्ट्रीमर की तरफ से। तो भाई लोग लाइट यूज़र्स के लिए साइज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर रखती है, क्योंकि जिनके पास हाई एंड डिवाइस नहीं है, कोई अच्छा सा डिवाइस नहीं है, वो लाइट वर्जन खेलते हैं, तो उनके लिए तो भाई साइज़ मैटर ही रखती है। तो दोस्तों अगर हम साइज़ की बात करें तो पहले बात करते हैं पबजी मोबाइल के साइज़ के बारे में, जो कि है लगभग 2 GB के अंदर आपको गेम देखने को मिलता है। वहीं गेम में जितने रिसोर्स पैक और मैप हैं वो सारे अगर हम डाउनलोड कर लें तो टोटल गेम की साइज़ 3.5 से 4 GB के बीच में जाती है, और जो काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं उनकी साइज़ तो लगभग 5 GB के आसपास हो गई होगी, अगर वो अपने फ़ोन के स्टोरेज में जाके चेक करेंगे तो। अभी दोस्तों बात करते हैं लाइट की साइज़ क्या थी पबजी लाइट जो था, तो दोस्तों पबजी लाइट की साइज़ जो है वो भी सारा सब कुछ मतलब मैप वगैरह सब कुछ डाउनलोड करने के बाद साइज़ पहुंच जाती थी 2 GB के आसपास। तो दोस्तों अभी ये जो है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया जो कि आने वाला है, अभी इसका साइज़ तो नहीं दिखा रहा है, ना कहीं आपको मेंशन किया हुआ है क्रैम्पटन के थ्रू, और ना ही कहीं आपको जो है वो गेम का साइज़ प्ले स्टोर पर लिखा हुआ है, ना ही कहीं मेंशन किया हुआ है क्रैम्पटन के थ्रू, और ना ही कहीं प्ले स्टोर पर लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर आप गेम का अबाउट सेक्शन चेक करते हो तो वहाँ पर लास्ट में सबसे लिखा हुआ है कि मिनिमम 2 GB स्टोरेज चाहिए, 2 GB स्टोरेज रिक्वायर होगी बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के लिए। तो भाई लोग अगर 2 GB की स्टोरेज रिक्वायर होगी तो जहाँ तक गैस है कि गेम में और भी कई सारे मैप होंगे, कई सारे रिसोर्स पैक होंगे, तो सब कुछ मिला के मतलब गेम की साइज़ लगभग लगभग आपकी जाएगी 2.5 GB। जी हाँ दोस्तों, 2.5 GB तक जाएगी। तो दोस्तों गेम का जो साइज़ होगा वो आपका 1 GB से 1.5 GB के बीच में होगा, और उसके बाद अंदर रिसोर्स पैक और आपके मैप वगैरह ये सब डाउनलोड करने के बाद टोटल 2.5 GB तक तो स्टोरेज आपका लेगा ही। तो दोस्तों अगर आप लाइट यूज़र भी हो तो भी आप आराम से खेल सकते हो, मतलब उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपके पास एक कोई भी मिड रेंज डिवाइस है तो भी आराम से खेल सकते हो। तो भाई लोग अभी बात करते हैं कि गेम का जो फिक्स साइज़ होगा वो आपका जो होगा वो होगा 2 GB से लेकर 2.5 GB के बीच में, टोटल अंदर के सारे रिसोर्स पैक वगैरह सब कुछ डाउनलोड करके। अभी दोस्तों सेकेंड टॉपिक जो है वो है कि iOS का प्री रजिस्ट्रेशन। तो भाई लोग iOS का जो प्री रजिस्ट्रेशन अभी फ़िलहाल तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ इस हफ्ते में आपको देखने को मिलेगा जैसे कि मैंने पहले बताया था। और ये जो प्री रजिस्ट्रेशन का डेट है ये भले ही अभी नहीं बता रहा है, लेकिन गेम आपका साथ में ही लॉन्च होके मिलेगा, गेम आपको जो है वो दोनों को साथ में मिलेगा, प्ले स्टोर को भी और ऐप स्टोर को भी। तो भाई लोग प्री रजिस्ट्रेशन की टेंशन मत लो, आ जाएगा आपको इसी हफ्ते में देखने को मिल जाएगा, और नहीं भी मिलता है तो भी कोई टेंशन मत लो दोस्तों, जब भी गेम लॉन्च होगा दोनों में साथ में ही लॉन्च होगा। अभी दोस्तों बात करते हैं गेम के लॉन्च डेट की कंफर्मेशन के बारे में। तो भाई लोग जो गेम के लॉन्च डेट की कंफर्मेशन है, पहली कंफर्मेशन तो डायनेमो ने दी है। अभी एक दो दिन पहले ही डायनेमो का एक स्ट्रीम हुआ था जिसमें डायनेमो ने बताया था कि गेम आपको देखने को मिलेगा फिर से 2 डिजिट के डेज पे। जी हाँ दोस्तों, 2 डिजिट के डेज पे। तो 2 डिजिट का डे तो चालू हो रहा है 10 से, तो हो सकता है आपको 10 को ही देखने को मिले या फिर उसके बाद भी मिल सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में, उनमें जो है कंफर्म डेट आप जाके चेक कर सकते हो, अगर आपने नहीं देखा वो डेट भी आपको वहाँ पे पता चल जाएगी। और भाई लोग वहीं पे क्रॉन्टन ने भी कुछ रिकॉर्डिंग्स जो है वो सुना के लाइव स्ट्रीम में वो बिल्कुल ही कंफर्म कर दिया है कि गेम जो है काफ़ी ज़्यादा लॉन्च के करीब है, मतलब ये जो है गेम आपको जून के फर्स्ट हाफ में देखने को मिल जाएगा। तो जून का फर्स्ट हाफ 15 तक होता है, तो 15 के पहले 10 तारीख को तो काफ़ी ज़्यादा लीक्स आ रही है। दोस्तों देखते हैं गेम कब लॉन्च होता है। तो दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी आप बताओ कि आपको क्या लगता है गेम कब तक लॉन्च होगा, या फिर iOS का प्री रजिस्ट्रेशन डेट कब तक आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, सीधा गेम ही आपको देखने को मिलेगा, और या फिर दोस्तों गेम का साइज़ कितना होगा।
कमेंट बॉक्स में जाके जल्दी से बताओ। अभी आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।